तो जब मार्केट में कोई न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर आता है तो हम बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, कंफ्यूजन कि किसी कंपनी का न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर ले या फिर उन कंपनीज का इलेक्ट्रिक स्कूटर ले जो पहले से ही मार्केट में है। ये हर किसी के साथ होता है। फिलहाल सिंपल एनर्जी अपना न्यू इलेक्ट्रिक स्कूटर लेकर आ रही है सिंपल वन। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सिंपल वन एथर 450X जनरेशन 3 और ओला S1 प्रो का फुल कंपैरिजन। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, उससे भी पहले बेल आइकन दबाकर पावर टॉक्स को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि आप रहे पावर अपडेटेड। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं इन तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर के स्पेसिफिकेशंस की। तो यहाँ पर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे मोटर के बारे में। तो ओला S1 प्रो में आपको 5.5 किलोवाट मिड ड्राइव IPM मोटर यहाँ पे दी गई है। सिंपल वन की अगर हम बात करते हैं तो 4.5 किलोवाट PMSM मोटर आपको यहाँ पे दी गई है। PMSM का यहाँ पे मतलब है परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर। यहाँ पर एथर 450X जनरेशन 3 की अगर बात करते हैं तो 3.3 किलोवाट PMSM मोटर यहाँ पर आपको दी गई है। मोटर के बाद अगर हम बात करते हैं पीक पावर की, तो ओला S1 प्रो में आपको 8.5 किलोवाट की पीक पावर मिल रही है। सिंपल वन में आपको मिलती है 8.5 किलोवाट की पीक पावर। और एथर 450X जनरेशन 3 की पीक पावर की अगर हम बात करते हैं तो 6.2 किलोवाट यहाँ पर आपको पीक पावर मिलती है। अब डिस्कस करते हैं बैटरी कैपेसिटी की। तो यहाँ पर 3.97 किलोवाट आर बैटरी पैक आपको दिया गया है ओला S1 प्रो में। सिंपल वन में आपको मिल जाता है 4.8 किलोवाट आर का बैटरी पैक और एथर 450X जनरेशन 3 में आपको 3.7 किलोवाट आर का बैटरी पैक मिलता है। अब डिस्कस करेंगे इनके चार्जिंग टाइम। तो ओला S1 प्रो 0 से 100% चार्ज होने में लेता है करीब 6.5 घंटे। सिंपल वन की अगर हम बात करते हैं तो ये 0 से 80% तक चार्ज हो जाता है 2 घंटे 45 मिनट में। और एथर 450X जनरेशन 3 की अगर बात करते हैं तो 0 से 80% तक चार्ज होता है 4 घंटे 30 मिनट में। अब कंपनी क्या रेंज क्लेम कर रही है इन इलेक्ट्रिक स्कूटर पर, ये भी आपको बता देते हैं। तो ओला S1 प्रो में आपको मिलती है 135 किलोमीटर की रेंज, सिंपल वन यहां पर आपको देता है 203 किलोमीटर की रेंज और एथर 450X जनरेशन 3 आपको ऑफर करता है 105 किलोमीटर तक की रेंज। अब यहां पर टॉर्क भी काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ओला S1 प्रो में जनरेट होता है 58 Nm का टॉर्क, सिंपल वन की अगर बात करते हैं तो 72 Nm का टॉर्क यहाँ पे आपको मिलता है। एथर 450X जनरेशन 3 में आपको मिल जाता है 26 Nm का टॉर्क। टॉर्क के साथ यहाँ पर हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की। तो 0 से 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पकड़ लेता है ओला S1 प्रो 3 सेकंड में। सिंपल वन यहाँ पर लेता है 2.85 सेकंड 0 से 40 किलोमीटर पर आवर के लिए और एथर 450X जनरेशन 3 लेता है 3.3 सेकंड सेम एक्सेलरेशन के लिए। तो अब टॉप स्पीड की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो ओला S1 प्रो में आपको मिलता है 115 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड, सिंपल वन में आपको मिलती है 105 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड और एथर 450X में आपको ऑफर की जाती है 80 किलोमीटर पर आवर की टॉप स्पीड। अब इन तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में से ओला S1 प्रो जो है वो हाईएस्ट कंटीन्यूअस पावर डेवलप करता है इन तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में। सिंपल वन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर आपको बेस्ट एक्सेलरेशन फिगर मिलते हैं इसके लो कर्व वेट की वजह से। और तीनों में से ही ओला S1 प्रो जो है वो हाईएस्ट टॉप स्पीड आपको ऑफर कर रहा है। पर यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि 0 से 80% तक चार्जिंग टाइम का ऑप्शन ओला स्कूटर में आपको नहीं मिलता है। सिंपल वन में आपको फास्ट चार्जिंग 0 से 80% जो है आप 2 घंटे 45 मिनट में आप इसे चार्ज कर सकते हैं। और इसके अलावा आपको इसमें बिगेस्ट बैटरी पैक भी ऑफर किया जा रहा है तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर के कंपैरिजन में, जो कि 4.8 किलोवाट आवर का है। दूसरी तरफ अगर हम एथर 450X जनरेशन 3 की अगर हम बात करते हैं तो यह आपको लो टॉर्क और पावर आउटपुट लो तो ऑफर कर रहा है, लेकिन इसके अलावा यह आपको एक इंप्रेसिव एक्सेलरेशन भी ऑफर कर रहा है जो कि आपकी सिटी राइड के लिए काफी अच्छा ऑप्शन है। इसके अलावा अगर हम अदर फीचर्स की बात करते हैं तो जो डिस्प्ले है वो तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में 7 इंच की TFT टच स्क्रीन आपको ऑफर की जाती है। क्रूज कंट्रोल जो है वो आपको सिर्फ ओला S1 प्रो में देखने के लिए मिलता है, सिंपल वन और एथर 450X जनरेशन 3 में क्रूज कंट्रोल का ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। लाइव लोकेशन स्टेटस की अगर हम बात करते हैं तो ओला S1 प्रो और एथर 450X में आपको ये ऑप्शन देखने के लिए मिलता है, सिंपल वन में ये ऑप्शन आपको नहीं दिया गया है। अगर हम डिस्प्ले थीम्स की बात करते हैं तो ओला S1 प्रो और एथर 450X जनरेशन 3 में आप डिस्प्ले चेंज कर सकते हैं, लेकिन सिंपल वन में ये थीम चेंज करने का ऑप्शन आपको नहीं मिलता है। इसके अलावा नेविगेशन, इनकमिंग कॉल अलर्ट, बैटरी लेवल, पार्क असिस्ट, म्यूजिक कंट्रोल आपको तीनों ही इलेक्ट्रिक स्कूटर
स्कूटर में देखने के लिए मिल जाते हैं। इसके अलावा राइडिंग मोड्स भी तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में आपको दिए गए हैं। फास्ट चार्जर लोकेशन आपको ओला S1 प्रो में नहीं मिलता है, लेकिन सिंपल वन और एथर 450 एक जनरेशन में आपको ये देखने के लिए मिलने वाला है। अब एंड में बात कर लेते हैं इन तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर के प्राइस की। तो एथर 450 एक्स जनरेशन 3 का प्राइस जो है अप्रोक्स 1,28,000 रुपीज है। ओला S1 प्रो यहाँ पर आपको मिल जाता है अप्रोक्स 1,24,999 रुपीज में, और सिंपल वन की अगर हम बात करते हैं तो ये आपको अप्रोक्स 1,09,999 में मिल जाएगा, जो कि तीनों ही एक्स शोरूम प्राइस है। सिंपल वन के प्राइस में यहाँ पर चेंजेस देखने को मिल सकते हैं। तो अब आप इन तीनों इलेक्ट्रिक स्कूटर में से किस इलेक्ट्रिक स्कूटर को परचेज करना चाहेंगे हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देखते रहिए पावर टॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।